हे गाइस, पिछली बार हमने एचटीएमएल के अंदर टेबल टैग देखा था और टेबल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार हम वही टेबल का यूज करके खुद का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे छः वे से हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं वो देखेंगे, लेकिन सिंपल वे से। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, बाद में हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव लेक्चर टू के अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे जाता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ लेक्चर थ्री, और इसको सिलेक्ट करके अंदर जाएंगे, इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे ये जो आपको ऑल फाइल कर देना है, सेव कर देना है। देन बेसिक टैग एच टी एम एल, इसकी आपको एक्चुअली आदत करनी होगी, ये कंपल्सरी है लिखते समय। देन हेड एच टी एम एल टैग के अंदर ही आता है, हेड title, और इसकी क्लोजिंग करनी है हमें यहाँ पे, ये हो गया, एक शादी कर देते और बच गया बॉडी। सो बॉडी की भी यहाँ पे क्लोजिंग कर देते, सॉरी क्लोजिंग नहीं हुई, ये क्लोजिंग हो गई। अभी इसको ओपन भी कर देते हैं कि टेबल स्ट्रक्चर ओपन करने के लिए वेब में गया, लेक्चर थ्री में गया, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, तो टेबल स्ट्रक्चर करके आ गया। अभी हमें स्ट्रक्चर कर पता करना है कि कैसे बनाना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ, पेंट के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या करना होगा हमें, कैसे किस तरीके से मैनेज करना है। तो हम ब्रश टूल से भी चल जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो पहले की वेबसाइट में होता था, अभी फिलहाल नहीं होता स्ट्रक्चर। सो ये हो गया हेडर, ये हो गया मेन्यू बार, ये हो गया कंटेंट, और ये हो गया फूटर। एंड कंटेंट को डिवाइड कर दिया राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। सो ये जो टोटल जो हाइट होती है वो होती थी पहले 800, सो 800 पूरी टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 800 रहती थी। एक्चुअली 800 नहीं, 850 होती थी, ठीक है, 850। और विड्थ जो होती थी वो होती थी 1024, सो 1024। बचा क्या, ये हेडर, अब इनकी भी डिवाइड करना होगा, तो ये भी 100, ऊपर का 100, ये भी 100, फुटर भी 100 रहेगा। देन ये जो मेन्यू है वो रहेगा 50 पिक्सल, और जो बचा है 850 में से, ये वाले से, ये कंटेंट में जाएगा, मतलब ये होगा 600, सो 600 पिक्सल रहेगा हाइट में। अभी विथ को डिवाइड करेंगे, विथ को यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये 1024 रहेगा, ये भी 1024, लेकिन कंटेंट में डिवाइड किया है, तो कंटेंट में इसकी जो विथ रहेगी वो रहेगी 800 पिक्सल, और जो बाकी बचेगा वो रहेगा राइट कॉर्न में। सो ये लेफ्ट कॉर्न है और ये राइट कॉर्न है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हम टेबल के अंदर बनाएंगे, उसके लिए फिलहाल हमें देखना होगा कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं, और टेबल तो बन जाएगा लेकिन कॉलम्स और रो देखने होंगे। तो पहले रो देखते हैं, रो में ये देखो, ये एक रो है, मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ, ये एक रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है, ठीक है, मतलब चार रो बनाने पड़ेंगे। बाद में कॉलम्स कितने बनाने पड़ेंगे, दो, सो ये एक और ये दो, ये तो हमें मर्ज करना है, मतलब यहाँ पे कॉलम स्पैन करना है, यहाँ पे भी कॉलम स्पैन करना है, यहाँ पे भी कॉलम स्पैन करना है। सो पहले चार रो बनाते हैं और उसके अंदर दो 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 क्या बनेंगे, हम कॉलम्स बनाएंगे। सो यहाँ पे जाते हैं टेबल, सॉरी
अपर से वही टाइप हो रहा है। सो टेबल मैंने क्लोजिंग कर दी। अब इसकी हाइट एंड विथ तो मैंने पहले ही बता के रखा था। इसकी जो हाइट है HEIGHT, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। सो हाइट जो होती है वो होती है 850 पिक्सल। देन विथ जो होती है वो होती है 1024 पिक्सल। और बच्चा क्या बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल, इसको बड़ा कर देता हूँ, बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल। और एक बच्चा है ALIGN अलाइन इक्वल सेंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो चुका है। अभी अंदर हम कितने बनाएंगे, 4 TR बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर देता हूँ, सॉरी ये क्लोजिंग कर दी। और अंदर क्या बनाएंगे, दो दो TD बनाएंगे हर बार। तो ये TD हम काम करते, यहाँ पे क्लोजिंग कर देते, इसकी क्लोजिंग हो गई। देन और एक बनाते, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। सो ऐसे 4 बनाने हैं हमें, TR 4 बनाने हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। सेव करके देखेंगे रिजल्ट में पहले। तो ये ऐसे आ रहा है, आप देख सकते हो। सो ये जो हेडर पार्ट है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 पिक्सल। सो हम यहाँ पे जाएंगे और टीडी के अंदर, एक्चुअली यहाँ पे जो और एक देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मर्ज किया गया है, ये दोनों कॉलम्स मर्ज है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल 2, और ये जो टीडी इसको निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं मर्ज हो गया। और उसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, HEIGHT हाइट इक्वल 100 पिक्सल, ये हो गया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेन्यू बार है, यहाँ पे लिंक्स होती है। सो यहाँ पे भी मर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ पे मर्ज नहीं है, नीचे मर्ज है। सो ये मैं सेम कॉपी करता हूँ, सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये हो गया 50 पिक्सल। और बचा नीचे, सो यहाँ पे फूटर में इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बाकी जो यहाँ पे TD या फिर TR जो बीच में है वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे हाइट को। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आप, ये 100 पिक्सल आ गया, ये हो गया 50 पिक्सल और नीचे गया 100 पिक्सल, ठीक है। अभी बच्चा जो है वो लेफ्ट राइट में, सो लेफ्ट कॉर्न को या फिर राइट कॉर्न को विद में चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट कॉर्न को विद में विद दे देता हूँ। सो ये लेफ्ट कॉर्न है हमारा या फिर लेफ्ट साइड वाला है। सो यहाँ पे हम देते हैं विद इक्वल 600 पिक्सल। सो इससे हमारा काम बन जाएगा, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली 600 नहीं, हमें 800 देना होता है, वहाँ पे मैंने गलती से रख दिया ताकि ये ऐसे दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये होता है 800, 600 नहीं। सो ये गलती हो गई थी, तभी प्रॉपरली वैसे ही शो हो रहा है कि ये हमारा रहेगा हेडर, ये मेन्यू जहाँ पे लिंक्स होती है, ये कंटेंट के अंदर लेफ्ट कॉर्न राइट कॉर्न और यहाँ पे साइड बार होता है ये, और ये होता है फूटर, ठीक है। अगर आपको और भी एक प्रॉपर्टी दिखानी है इसमें, यहाँ पे आपको सपोज इस कॉलम को या फिर इस TD को आपको कलर चेंज करना, तो आप लिख सकते हैं BG कलर इक्वल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप कलर का नाम डाल सकते हैं या फिर कलर कोड भी डाल सकते हो, चाहे तो ये दे सकते हो। यहाँ पे आ गया कलर, आ गया वापस यहाँ पे BG कलर इक्वल ग्रीन। आप हैश कोड भी डाल सकते हो चाहे तो। हैश कोड के लिए हम एक काम करते हैं, फुटर को डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे डालेंगे BG कलर इक्वल हैश 0000000,
तीन बार जीरो लिखने से भी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये ब्लैक होना चाहिए। हाँ ये ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कलर भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज टेबल के अंदर जो भी हमने सीखा वो खुद के स्ट्रक्चर बनाने के हिसाब से मैंने दिखाया आप लोगों को। सो आप खुद का स्ट्रक्चर और भी बनाओ, ट्राई करो। और आप एक ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर आप बनाने के लिए सीखो या फिर इसमें बनाओ, ये आपको चैलेंज है। आप टेबल आपने अभी देखा है कॉलम स्पैन रो स्पैन कैसे करना है, सो ऐसे आप कैलेंडर बनाओगे तो टेबल अच्छी तरह से बना पाओगे। सो अभी के लिए इतना ही, बाय।